गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.6। ठीक है, इसमें डिफरेंट एंगल्स है बेटा। 40 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, करते हैं ड्रॉ। चलो, ए पार्ट में हमने देखा था 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है बेटा। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ पर आप सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बस आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा रहा हूँ। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेटा, वो मैं आपको दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे इंटरफेस में ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे करना है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको एक रे ड्रॉ करनी है। इस रे ड्रॉ करने के बाद कंपास को ओपन करना है, टेकिंग कन्वीनियंट रेडियस। ठीक है, कन्वीनियंट रेडियस लेकर इस तरीके से एक आर्क लगानी है आपको। कंपास को इतना ही ओपन रखना है जितना ओपन करके आपने आर्क लगाई थी इस पॉइंट पर, और उसके बाद यहां वापस से एक आर्क लगानी है आपको इस तरीके से। यहां जो आर्क लगाई है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये एंगल आपका 60 डिग्री का बनेगा बेटा, देख लीजिए आप, क्लियरली विजिबल होगा आपको, बन गया 60 डिग्री का ये। ठीक है, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे लिखने हैं। देखो बेटा, यहाँ इस तरीके से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्लियर, फिफ्थ का ए पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देखो बेटा, 30 डिग्री का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। लेट मी शो यू हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट। देखो, 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको पहले 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। देखिए कैसे आपको क्या करना है। मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, देखिए मैं नेमिंग कर देता हूँ बेटा यहाँ पर इन पॉइंट्स की। ठीक है, यहाँ से इतना एंगल ये 60 डिग्री का है ना, हमें क्या करना है, इसे बाइसेक्ट करना है। ठीक है, 60 डिग्री के लिए तो इतना ही बनाना था आपको। अब 30 डिग्री जो बी पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो ये 60 डिग्री का ड्रॉ करना है यहाँ पर। फिर कंपास को लेना है बेटा, और इस ए बी, यहाँ देखिए ये ए बी कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर कंपास ओपन है। आपको क्या करना है, इस ए बी के हाफ से ज़्यादा इसे ओपन करना है। इसकी हाफ से ज़्यादा हमें कंपास को ओपन करना है बेटा। देखो, ए बी इतना है, इसका हाफ कुछ यहाँ पर होगा, है ना, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है ऐसे। फिर एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से ए पॉइंट पर कंपास को रखकर। अब कंपास को रखेंगे बी पॉइंट पर, फिर से एक और आर्क लगाएंगे। अब क्या करना है आपको, इस वर्टेक्स से, इन आर्क्स के इंटरसेक्शन से पास करना है कंपास को, ये सॉरी यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए कितने डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है आपको, देखिए थर्टी डिग्री का है ना, बिल्कुल ये इस तरीके से 30 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है। अब देखिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे बेटा। इस तरीके से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब है बेटा सी पार्ट, दैट इज 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री का कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए 90 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले वही एक रे ड्रॉ करनी है आपको, कंपास ओपन करना है बेटा,
और एक आर्क लगानी है इस तरीके से, आर्क लगा लिया आपने। कंपास को उतना ही ओपन करके ए पॉइंट पर रखना, एक आर्क लगाएंगे, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, अभी अभी देखा आपने, ठीक है। अगर इस बी पर ही रखकर दोबारा आप एक और आर्क लगा देंगे, ये एंगल आपका 120 डिग्री का बन जाता है। ये एंगल कितने डिग्री का बन जाता है बेटा? 120 डिग्री का यहाँ पर। अब देखो बी और सी, मैंने बताया बेटा ये बी तक 60 डिग्री है, बी से सी तक ये भी 60 है, लेकिन ए से सी तक बात करते तो 120। सो अगर बी और सी है 60, इसे बाइसेक्ट कर देंगे आप तो ये 30 30 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 60 ये बी तक है ही, और फिर यहाँ जो बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा 30 यहाँ तक मिल जाएगा, 60 + 30 90 डिग्री का आपको मिल जाएगा एंगल। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर यहाँ बी और सी को बाइसेक्ट कर देंगे आप, ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, तो आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये बी सी तक एंगल कितना है बेटा? ये बी और सी के बीच में है 60 डिग्री का, इसके हाफ से ज़्यादा आपको ओपन करना है कंपास को, हो गया हाफ से ज़्यादा। ये आपको आर्क लगानी है, सी पॉइंट पर रख के आर्क लगानी है इस तरीके से। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए रूलर की हेल्प से, मैं विदाउट रूलर कर पाऊंगा बेटा, आपको रूलर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना है इसे। और अब देखिए कितने डिग्री का एंगल आपको मिल रहा है यहां पर, देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री का है या नहीं। सो इस तरीके से आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बेटा। अब इसके लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखिए कैसे। ये बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है बेटा। इस तरीके से यहाँ पर नेमिंग अलग अलग है थोड़ी सी, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टेप्स में लिखे हुए हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ये लिख रखे हैं पहले से मैंने आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं नोटबुक में। अब करते हैं पार्ट नंबर डी। अब देखिए डी पार्ट में कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बेटा आपको? 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो 120 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो बेटा 120 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक रे ड्रॉ करनी है, ठीक है। कंपास लेना है बेटा, टेकिंग कन्वीनियंट रेडियस, कुछ रेडियस लेकर इस तरीके से आपको आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब कंपास को इतना ही ओपन रखना है और आर्क लगानी है आपको, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब 60 डिग्री के लिए जो आर्क लगाई थी उसी आर्क पर कंपास को रखकर एक और आर्क लगाएंगे तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से देखो थोड़ा सा ये इधर आएगा, कोई नहीं, रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं, आपको भी कंफर्म हो जाएगा। या करते हैं इसे ज्वाइन अभी, देखो ये आपका एग्जैक्टली 120 डिग्री का एंगल ऐसे बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे आप, ये आपके सामने बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका 120 डिग्री का एंगल ऐसे बन जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।
देखो बेटा ई पार्ट, ई पार्ट में आपको 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो देखते हैं 45 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसे रे ड्रॉ करेंगे, कंपास को लेंगे, टेकिंग सम रेडियस इस तरीके से, आर्क लगाएंगे, क्या रखेंगे कंपास को, और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से। कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे आप, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। अब इस 60 और 120 के एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, रीजन आपको पता चल जाएगा। देखिए देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल है बेटा, कहाँ से कहाँ तक है ये मैं बता देता हूँ आपको, ये ए और ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ तक ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 45 45। देखो कैसे करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको आता ही है बेटा। ए पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और यहाँ देखो, यहाँ तक 90 है, हमें इसके हाफ से ज़्यादा इसे ओपन करना है कंपास को, ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन हो गया ना, और आर्क लगा लेते हैं। फिर बी पॉइंट पर रखिए और आर्क लगा लीजिए इस तरीके से, अब इसे ज्वाइन कर दो बेटा। ये जो एंगल बनाया होगा आपका पी क्या हो, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनाया बेटा, ये प्रोजेक्टर है, इसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहां से 40 50 के बीच क्या बनेगा 45 डिग्री, ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे लिखने हैं आपको, देखो बेटा इस तरीके से आपको लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो मैं भी आपको करके दिखाया है, ये स्टेप्स इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। स्टेप्स आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, इन्हें आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप नोटबुक में लिख सकते हो। अब हम करते हैं फिफ्थ का लास्ट पार्ट, दैट इज एफ पार्ट। अब हम करेंगे 135 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, दैट इज पार्ट एफ, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा 135 डिग्री का एंगल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले रे ड्रॉ कीजिए और कंपास को ओपन कीजिए बेटा, एक आर्क लगाइए, टेकिंग कन्वीनियंट रेडियस, आप जानते हो इस तरीके से, इस पॉइंट पर जब आप रखेंगे कंपास को और एक आर्क लगाएंगे, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है यहां पर लाइक दिस। अब 60 डिग्री पर रखकर आप कंपास एक और आर्क लगाएंगे तो ये 120 डिग्री का बन जाता है, राइट, और कंपास को इतना ही ओपन रखकर 120 पर रखकर आर्क लगाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं कंपास को जितना ओपन करके आपने आर्क लगाई थी और उसी आर्क पर आप आर्क लगाएंगे तो 60 120 180 का बनता है, ठीक है। अब ये 120 है बेटा, ये 180, 120 और 180 का हाफ बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 और 180 के बीच में 60, यानी उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो बन जाएगा 150 का, तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसको हाफ से ज्यादा ओपन कीजिए, आर्क लगाइए बेटा,
ये जो आपका एंगल बना है, ये एंगल है आपका, खुद देख लीजिए 150 डिग्री एग्जैक्ट, ठीक है। अब जब ये 150 डिग्री का एंगल बन गया है, अब मैं पॉइंट कुछ मेंशन करता हूँ, ये P और ये पॉइंट है जो ये बता, ये है Q, ये P से Q पॉइंट तक बेटा ये एंगल क्या है 150 डिग्री का, और ये कितना था, ये 60, ये 120। अगर 120 और 150 को बाइसेक्ट कर देंगे आप, 150 यहां पर भी मेंशन कर देता हूं मैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है R, ये वाला पॉइंट। अब बेटा P को अगर R ड्रॉ करेंगे तो 120, ठीक है, ये O है अगर, तो PO क्या होता है 150, POR अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब हम क्या करेंगे, 120 और 150 का बाइसेक्टर, यानी ये 120 और 130 के बीच, 150 के बीच में कितना गैप होता है, 120 150 के बीच में 30 का गैप है, 30 के अगर टू पार्ट्स हो जाएंगे तो बेटा 15 15, 120 प्लस 15 135 डिग्री। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या पॉइंट पर कंपास को रखना है आपको, और क्या आर के हाफ से ज्यादा कंपास ऐसे ओपन करना है आपको, फिर इस तरीके से इसे ज्वाइन करना है, इसे आर्क्स लगानी है, अब ज्वाइन करते हैं बेटा इस आर्क्स, आर्क्स के इंटरसेक्शन से, यहां से। अब आप खुद ही देख लीजिए कि एंगल कितने डिग्री का बना है बेटा, देखो 130 और 140 इसके बिल्कुल बीच से पास हो रहा है, ये एंगल आपका 135, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वन का टू का, पॉइंट वन का थोड़ा वो डिफरेंस हो सकता है बेटा, है ना, क्योंकि मैंने आग डायरेक्टली लगाई है, ये ज्वाइन की है विदाउट द हेल्प ऑफ रूलर, सो हियर दिस एंगल इज ऑफ 135 डिग्री। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे वो देखते हैं, ये होंगे बेटा इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 135 डिग्री के, यहाँ से आप पॉइंट्स को देख कर नोट कर सकते हैं बेटा, पॉज करके देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से आपका हो जाएगा क्वेश्चन 5th कंप्लीट। थैंक यू।